लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल केला दर्रे पर जिस सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे, वो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है। सड़क की ऊंचाई समुद्र तल से 18,600 फीट है। ये सड़क लेह को पेंगोंग झील से जोड़ती है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क से लेह और पेंगोंग झील की दूरी 41 किलोमीटर घट जाती है। लद्दाख समेत पूर्वोत्तर के इलाकों में रणनीतिक सड़कों का जाल बिछाना भारत की अहम रक्षा नीति का हिस्सा बन चुका है। भारत चीन सीमा पर सेना के जवानों के लिए काफी अहम भूमिका निभा सकता है और ये पीएम मोदी हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए बोगीबील ब्रिज जो कि 5 किलोमीटर लंबा है, लंबे इंतजार के बाद आज इस ब्रिज का उद्घाटन हो गया। देश का सबसे लंबा डबल डेकर रेल रोड पुल। असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह ब्रिज जो कि सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये टनल हिमाचल के पीर पंजाल रेंज में 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है, जिस पर करीब 3200 करोड़ रुपयों की लागत आई है। इस टनल में वाहनों के लिए 80 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई। इसके अंदर एक बार में 3000 कारें या 1500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है। ऊंचाई 10,000 फीट है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल है। 8.8 किलोमीटर लंबी इस पहाड़ी सुरंग के जरिए मनाली से लेह की दूरी करीब 46 किलोमीटर कम हो गई है। इतना ही नहीं, रोहतांग पास से लेह तक पहुंचने में जो दूरी पहले लगती थी, अब उस दूरी में 3 घंटे कम लगेंगे। इस सुरंग को बनाने में करीब 10 साल का वक्त लगा है। और इतना ही नहीं, इस सुरंग में 12 बेहद हाईटेक फीचर्स भी लगाए गए हैं। अभी तक लेह पहुंचने के दो रास्ते थे, श्रीनगर से लेह और मनाली से लेह, लेकिन ये दोनों ही रास्ते मौसम की मार झेलते रहते हैं। खासकर सर्दियों में बर्फबारी के दौरान ये दोनों हाईवे महीनों तक बंद रहते थे। ऐसे में भारतीय सेना को LAC पर मौजूद अपने सैनिकों तक वायु मार्ग के जरिए ही जरूरी सामान पहुंचाना पड़ता था। लेकिन अटल टनल के निर्माण के साथ ही जहां कई रास्ते आसान हो गए हैं, वहीं इस रूट के जरिए भारतीय सेना न सिर्फ तेजी से LAC तक पहुंच सकती है, बल्कि हजारों फीट की ऊंचाई पर सैनिकों की जरूरत का सामान भी महज चंद घंटों में ही पहुंचाया जा सकेगा।